Hi guys, this is Praneeth and welcome back to my YouTube channel. तो आज मैंने जस्ट अभी अपनी क्लासेस अटेंड की हैं और मुझे आज जाना है बस की राइड लेकर किसी को मिलने. तो मैंने कहा कि एक छोटा सा व्लॉग ही बना देती हूँ और इसी चक्कर में आपको पता लग जाएगा कि बस की राइड कैसे लेते हैं. तो मेरी बस है 2:46 PM पे है, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा अराउंड 2:35 ताकि मैं आराम से वहाँ जाके खड़ी हो जाऊँ, क्योंकि अगर बस छूट गई तो फिर बहुत पंगा पड़ता है. पहले जाके खड़े हो जाओ फिर बेटर रहता है. मेरे को सांस चढ़ी हुई है बिकॉज मैं अभी रील्स बना के आ रही हूँ इंस्टाग्राम की. अगर आपने वो रील्स देखनी है जो मैं तमाशी करती हूँ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. और अब मैं जा रही हूँ और मैं आपको होपफुली सारा कुछ दिखा पाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं बिजी हो जाऊँ सारा कुछ करने में ही और रिकॉर्ड करना भूल जाऊँ. तो लेट्स वेट एंड वॉच. तो मैं अपने साथ पानी की बॉटल लेके जा रही हूँ बिकॉज बस राइड्स बहुत लंबी लंबी होती हैं. और जैसे भी मेरा थोड़ा सा ही डिस्टेंस है जो मैंने ट्रैवल करना है, बट मेरे को आधा घंटा लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने में बिकॉज ऑफ द बस, क्योंकि उसने हर एक जगह पे रुकना होता है. तो बीच में बिकॉज ड्राई वेदर है यहाँ पर, गला बहुत सूखता है, इसलिए वाटर बॉटल अपने साथ होनी बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स वन थिंग यू शुड कीप विद योर सेल्फ एंड लेट्स गो नाउ. ग्लव्स भी डाल लिए बाय द वे. जगह पे चल रही हूँ Did you see the dog? How he was looking at me? मेरे साथ साथ अपनी मुंडी हिला रहा था ऐसे ऐसे. तो मैं अभी खड़ी हूँ बस स्टॉप पे. ये पीछे जो साइन है ये बस स्टॉप का साइन है, यहाँ पे आएगी 20 नंबर बस. तो मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ अभी. तो जब मैं पकड़ूँगी तब बताऊँगी आपको. अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है बिकॉज जो मेरा वाला बस स्टॉप है इस पर ग्लास नहीं बना, बल्कि जो मेरे आगे वाला बस स्टॉप है ग्लास डोर लगी हुई है. तो ठंड लग रही है, मैं जल्दी आ गई, मेरे को लग रहा है मेरे को ठंड में खड़े होना पड़ेगा. तो ये भी मैं बताना चाहती थी कि बस स्टॉप ज़रूरी नहीं है हर एक बस स्टॉप पे ही वो ग्लास डोर बनी हो, किसी किसी पे नहीं भी बनी होती. जैसे अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ठंड में जान निकल रही है मेरी. तो एक चीज़ मैंने और आपको एक बतानी थी कि ये है ये मेरी टिकट है. और अभी मेरे को मेरा ट्रांजिट कार्ड नहीं मिला स्टूडेंट वाला बिकॉज उसकी पिकअप डेट थोड़ी लेट है और क्योंकि ओमिक्रॉन चल रहा है तो पिकअप डेट लेट की हुई है. बट और देखो आइस ऑन माय आईलैश, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे. सो अपने आप को पूरा ढक के कवर करके आना
except for rice. A few moments later. तो ये मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा दी है ताकि आपको पता लग जाए कि आपको टिकट अपनी कहाँ पे स्कैन करवानी है, बार कोड अपने ट्रांजिट कार्ड का कहाँ स्कैन करवाना है। तो जो रेड कलर से मैंने बॉक्स बनाया है उसके अंदर आपको अपनी टिकट डालनी होती है, जो ग्रीन कलर से मैंने बॉक्स बनाया है उसके अंदर आपको अपना स्टूडेंट ट्रांजिट कार्ड वाला, उसके अंदर एक बार कोड बना होता है उसको यहाँ पे स्कैन करना है। जो ब्लू बॉक्स बनाया है मैंने उसके अंदर आपको अपने कॉइन्स डालने हैं, और जो रेड वाला जो बॉक्स है उसके लेफ्ट साइड पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वहाँ से निकलता है आपका ट्रांसफ़र टिकट, और ट्रांसफ़र टिकट आप 1 hour and 15 minutes के लिए यूज़ कर सकते हो। ये आप तब यूज़ करते हो जब आपकी कनेक्टिंग बस होती है, इसके ऊपर भी एक बार कोड लगा होता है और उस बार कोड को आप वहीं पर स्कैन करते हो जहाँ आप अपना ट्रांजिट कार्ड स्कैन करते हो। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:31 और मैं बस के अंदर आपको नहीं दिखा पाई क्या हुआ। एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन किया था बट वो रिकॉर्डिंग बटन मैं ऑन करना भूल गई, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जो हमारी बस होती है उसके अंदर जब ड्राइवर बैठा होता है, मैं ना ग्लास वाली डोर के अंदर आई थी, तो जो ड्राइवर होता है ड्राइवर के साथ में मशीन होती है उसके अंदर टिकट डालनी होती है और आपकी जो ट्रांसफ़र टिकट है वो आपको मिल जाती है, विच इज़ वेरी इजी। वो बस के जो बोर्ड सा बना हुआ है जहाँ पे एलिस लिखा हुआ है वहाँ पे हमारे बस स्टॉप आ जाते हैं, और जो एलिस है ये अभी नेक्स्ट बस स्टॉप है, मतलब नेक्स्ट स्टॉप एलिस होगा, तो ये पहले ही थोड़ा लिख देते हैं। कभी कभी आवाज़ भी आती होती है, तो लेकिन कभी कभी आवाज़ नहीं भी आती होती। आपको अपने गूगल मैप्स पर चेक कर लेना है कि आपका लास्ट स्टॉप कौन सा है, तो आपको देखना है आपके लास्ट स्टॉप से पहले कौन सा स्टॉप आता है। जैसे ही वो स्टॉप वहाँ पे आएगा तब आपको थोड़ी, जब वो जैसे ही आपकी बस रुकेगी आपसे पहले आपके स्टॉप के पहले वाले स्टॉप पर, उसके 5 सेकंड बाद आप ये येलो वाली वायर को आप खींच देना, या फिर आपके सीट के साइड पर स्टॉप वाला बटन होगा रेड कलर का उसे दबा देना। बस पे यही है कि टाइम बहुत लग जाता है, और मेरी जब मैं लास्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही थी मेरी बस एक्चुअली छूट गई थी और मुझे पता ही लगा मैं रिकॉर्ड कर जा रही हूँ, तो फिर मैं रुकी। मैं एक्चुअली खड़ी सही स्टॉप पे थी बट गूगल मैप्स जो है हमारा आपको पता ही है बड़ा सही है, मैं सही जगह पर खड़ी थी बट वो मेरी लोकेशन गूगल मैप्स अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा था। तो जो मैंने बस स्टॉप देखा उस पर था तो नंबर 36 अपनी मेरी बस का लिखा हुआ था, बट जो मैंने कहा कि वो नेक्स्ट उस साइड पर है, क्या पता मेरे को लगा मैं ऑपोजिट खड़ी हूँ और दूसरी वाली जगह से मेरे को जाना होगा। तो मैं फिर उस स्टॉप पे गई दोबारा, वहाँ पे भी 36 नंबर की बस लिखी हुई थी, अब यहाँ पे भी लिखी हुई थी। हुआ क्या, मेरे को चेक करना था नंबर जो था बस का वो तो 36 था ही, बट उसके साथ उसका नाम क्या लिखा हुआ था, तो वो नाम भी चेक करना होता है जब आप बस ले रहे हो। अगर मैं फिर से ये वीडियो बना पाई बस के रिलेटेड तो मैं बनाऊंगी, बट अभी के लिए गुड बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। मुझे शर्म आती है व्लॉग बनाने में ना, आस पास से लोग ही देखी जाते हैं।